कर्म करोगे अच्छा मिलेगा अच्छा कर्म गलत, फल मिलेगा गलत। दोस्तों बात कर रहा हूँ मन अति सुंदर के लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि मन अति सुंदर कहानियां अभी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है। एक राधिका को बहुत ही ज्यादा परेशान करने का बना लिया है का राधिका, गुंडा भाई, और राधिका खुद के को दोस्त करने के लिए प्लान बना रही है, पर राधिका प्लान नहीं बना पा रही है क्योंकि ये जो रानी वो काफी ज्यादा चतुर है एवं काफी ज्यादा चालाक है। रानी की जाल में राधिका फंस चुकी है, क्योंकि रानी भाड़े की टट्टू पे दो गुंडा भाई बुला लिए, जो कि बंसल परिवार को डरा कर धमका कर रख रहा है। दिव्यम तो उससे थोड़ा सा भी नहीं डर रहा है, पर सुजाता डरने की नाटक कर रही है। सुजाता के चक्कर में सब लोग परेशान हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों दिखाया ये जा रहा है कि राधिका को बहुत ही ज़्यादा बेइज्जत करने का प्लान बनाया है रानी का गुंडा भाई। बंसल परिवार में बहुत सारे लोग आता है, क्योंकि तो सर्कस का प्रोग्राम किया जाता है। सब लोग गुंडा को देखकर चौंक जाता है, पर गुंडा बोलता है कि आप लोग हमें देखकर क्यों चौंक रहे हो, अभी आप लोग को तो एक गिफ्ट और दिखाऊंगा, अगर ये दिखाऊंगा तो आप लोग और भी ज़्यादा चौंक जाओगे। इसके बाद रानी के गुंडा भाई, रानी बोलते अपने गुंडा भाई से, भाई लगता है ये हमें उद्घाटन करना पड़ेगा, ये फीता हमें काटना पड़ेगा। इसके बाद बोलते ठीक है बहना तुम ही करो। इसके बाद रानी वहाँ पर जाती है, बोलती देखिए यहाँ पर एक और मेहमान है। सब लोग देखकर समझ जाता है कि राधिका ही है। दिव्यम बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। इसके बाद सब लोग हंसने लगता है, फिर बोलता है ये है बंसल परिवार की पुरानी बहू। सब लोग हंसने लगता है, कहते बंसल परिवार की पुरानी बहू जो कि इज्जतदार होता है, वो क्या इस प्रकार बवाल कर रहा है, क्या वो इस प्रकार का खेल तमाशा कर रहा है। परेशान हो जाता है, वहीं पर दिव्या भी परेशान हो जाता है। रानी को सुजाता बोलती देखो रानी तुम ऐसा कर रहे हो अच्छा नहीं कर रहे, क्योंकि दिव्या भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा है। इसके बाद होता है कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। तो देखिए माँ जी मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरा बेइज्जत हुआ था और मेरा बेइज्जत मेरे भाई से देखा नहीं जा रहा है, इसलिए मेरा भाई ने प्लान बनाया है, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ माँ जी, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती। सुजाता चुप हो जाती है। सुजाता को पता है कि सारा काम रानी ही कर रही है, और रानी खुद को निर्दोष साबित करती है और खुद को अच्छा बनने के और ढोंग दिखावा करने लगती है। यहाँ पर राधिका को काफ़ी ज़्यादा बेइज्जत किया जाता है, और राधिका फिर भी सभी बच्चे को एवं पूरा बंसल परिवार को आग में झुलसने से बचाती है, क्योंकि तो राधिका पे सवार हो जाते हैं गणेश जी, जो कि अपना देव शक्ति राधिका के ऊपर दे देते हैं, और राधिका सभी को इस मुसीबत से बचा देती है। इसके बाद सब लोग परेशान हो जाता है, सब लोग सोचने लगता है कि वास्तव में राधिका की पुरानी बहू के ऊपर गणेश अपना आशीर्वाद दे दिए, अपना देव शक्ति दे दिए, और राधिका के ऊपर बहुत ही बड़ी शक्ति आ जाता है, जिस कारण राधिका पूरे घर वाले को आराम से बचा लेती है, जिस कारण कहानी को काफ़ी ज़्यादा देखने में इंटरेस्टिंग और लाजवाब हो चुका है, और काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट करके बता दीजिए। ये जो कहानी है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा अपडेटिंग के साथ लाजवाब कहानी है दोस्तों, तो देखने में इतना ज़्यादा मज़ा लग रहा है आपको क्या ही बताएं। लेवल के साथ हर एक शो जो दिखाया जाता है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। तो फाइनली मन अति सुंदर काफ़ी ज़्यादा मस्त हो चुका है। अब दोस्तों राधिका को चोट भी लग गया। राधिका बोलती है कि दिव्यम जी आप ये माला हमें पहना दीजिए, अगर आप हमारे पास आए गए हैं तो मैं माला नहीं पहन पा रही हूँ। अब रानी सोचती है कि क्या, रानी इधर आती है और दिव्यम उसे माला पहनाते हुए दिखता है। उसके बाद बोलता है कि राधिका लगता है तुम मुखौटे की वजह से तुम्हें गंभीर चोट लग गया। इसके बाद मरहम लगाता है, उधर से रानी आती है, वो देख कर परेशान हो जाती है, क्योंकि रानी को लगता है कि दिव्यम राधिका को मंगलसूत्र पहना रहा है। वो देख कर जल जाती है, वो जल कर कोयले की तरह काली हो जाती है, और ऊपर से पाउडर लगाकर सफ़ेद किया जाता है रानी को, मतलब कि देखती है दोनों को जलकर काली हो गई। जब कोयला काला हो जाता है तो कोयले पे क्या किया जाता है पता है, उस पर पाउडर लगाकर चमका दिया जाता है, पर वो ज़्यादा दिन तक चमक नहीं मारता, क्योंकि जो असली रंग होता है वो अपना रंग में ही रहता है। उसी प्रकार रानी है, अपना रंग कभी नहीं छोड़ने वाली, जिस कारण से यहाँ पर कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और लेवल के साथ हो चुका है दोस्तों, और देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। आपको क्या लग रहा है प्यारे से कमेंट करो और बताओ कि हमारे चैनल पर रोजाना अपडेटिंग के साथ हर एक शो की जानकारी सबसे पहले आपको दिखाया भी जाता है। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हो तो आपको पता ही होगा कि मैं आपको किस प्रकार की वीडियो दिखाता हूँ वो सब जाता हूँ। मैं मन अति सुंदर की वीडियो आपको रोजाना दिखाऊंगा, और इसका एपिसोड भी दिखाऊंगा, और इसका प्रोमो भी दिखाऊंगा, और इसके बारे में अपडेट भी आपको जानकारियाँ दूंगा, और जो भी कहानियाँ में होगा वो मैं आपको बताऊँगा। तो अगर आप रोजाना हमारे चैनल पर इस प्रकार की वीडियो देखना चाहते हो और आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना चाहते हो दोस्तों,
तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर रोजाना अपडेटिंग के साथ हर एक शो की जानकारी मिलेगा और जो आप कमेंट करोगे वो वीडियो आपको दिखाया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलता हूँ अपडेटिंग वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मस्त रहिए, लाजवाब रहिए, हमारे चैनल के साथ आप लोग जुड़े रहिए दोस्तों। चलिए फ्रेंड, मिलता हूँ न्यू अपडेटिंग वीडियो में, न्यू अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय।